दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्योपैथी रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक समस्या और उसका एक होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। और समस्या का नाम है दोस्तों एडी की हड्डी का बढ़ना, जिसके साथ साथ हमें दर्द होता है एडी में, जिसको हम मेडिकल टर्म में हील स्पर बोलते हैं और प्लांटर फेसाइटिस भी हम जिसको कहते हैं, और एक और कॉमन सा इसका वर्ड है पुलिसमैन हील बोलते हैं जिसको हम। इसमें सबसे पहले दर्द रहना शुरू होता है और जब हम चलते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी चीज़ ने हमारा जो एडी है वो कतर दी हो, इतना पेन होता है, सीवियर पेन। इसका कारण है दोस्तों खास करके कि शरीर में लंबे समय से कैल्शियम की कमी का रहना या वजन का बढ़ना। जब हम मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारा जो शरीर का दबाव है वो एडियो पर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि हील पर ज़्यादा पड़ता है, तो वो हील दबने लगती है और अपना आकार बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट इधर से उधर न जाने कैसी कैसी दवा खाता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसको काटना पड़ेगा जो हड्डी बढ़ चुकी है, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इसमें हड्डी को घोलने के लिए हम एक इंजेक्शन देंगे, तरह तरह का ट्रीटमेंट वो लोग कराते हैं, ठीक हो जाता है फिर से बढ़ जाता है। जो एडी की हड्डी है वो ठीक हो जाती है कुछ पेशेंट में मैंने देखा है और वो फिर से बढ़ने लगती है। इसमें अगर हम मेल और फीमेल का अनुपात देखें तो आदमियों के से ज़्यादा औरतें इस रोग से पीड़ित हैं। दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूँ तो तकरीबन 10 मिलियन लोग हर वर्ष इस बीमारी के शिकार होते हैं, यानी कि उनको हील स्पर होता है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ वो दवाई आप इस्तेमाल करके देखें और आपको कितना फ़र्क लगता है या कितना फ़र्क आपको मिलता है आपके प्लांटर फेसाइटिस में या हील स्पर में या हील पेन में। दोस्तों पहली दवाई है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन एक हफ्ते में एक खुराक देनी है आपने 1 mg पोटेंसी की, तकरीबन 3 से 4 बूंदे या 5 बूंदे आप देंगे हफ्ते में एक बार, उस दिन और कोई दवाई नहीं लेनी। और बाकी के दिनों में दोपहर के समय ओरम मेट, दोपहर के समय ओरम मेट 200 की 2 से 3 बूंदे आप लेंगे, और सुबह शाम लेंगे आप कल्केरिया फ्लोर 30x, कल्केरिया फ्लोर 30x जर्मन की 5-5 गोली सुबह शाम। और जिस दिन आपको रोडोडेंड्रोन 1 mg की एक डोज लेनी है उस दिन आप ना ही कल्केरिया फ्लोर लेंगे 30x, ना ही आप लेंगे ओरम मेट। तो दोस्तों ध्यान रहे, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। आपको रोडोडेंड्रोन 1 mg लेनी है वीकली 3 से 4 बूंदे, अगले दिन से फिर आप लेंगे सुबह शाम कल्केरिया फ्लोर 30x की 5-5 गोली, और दोपहर के समय लेंगे आप ओरम मेट 200 पोटेंसी की 2 से 3 बूंदे। दोस्तों ये नुस्खा आप 2 से 3 महीने इस्तेमाल कराइए और आपको 3 से 4 ही दिन में इस नुस्खे का असर दिखने लगेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये हील स्पर या हील का जो पेन है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।